Students, Beta, how are you? I hope you all are fine. And uh, I'm your English teacher here, myself is Shilpa. And yesterday I have teaching you first unseen passage from the book of English grammar, and I have given you to do second and third unseen passages also. I hope so you all have done. So now I am teaching you. You listen it carefully to understand what are stars. ओके बेटा नाव आवर सेकंड अनसीन पैसेज वट आर स्टार्स वट मतलब क्या आर मतलब होते हैं स्टार्स मीन्स तारे तारे क्या होते हैं मैरी एक लड़की का नाम है डैडी आई हैड ए ड्रीम लास्ट नाइट लास्ट नाइट मीन्स पिछली रात लास्ट नाइट मीन्स पिछली रात मुझे एक ड्रीम मतलब सपना आया या मैंने एक सपना देखा ए फेरी केम इन माई ड्रीम ए फेरी मीन्स एक परी मेरे सपने में आई वी फ्लू इन टू द स्पेस इन हर स्पेस शिप और उनकी जो उसके पास जो स्पेस शिप्स थी यानी जो जहाज था हवाई जहाज जो था हम उसके अंदर बैठ कर हम स्पेस मतलब अंतरिक्ष में गए जो उनके पास जो अंतरिक्ष यान था स्पेस शिप मतलब जो अंतरिक्ष यान था जो अंतरिक्ष में जाने वाला जो उनके पास जहाज था उसमें बैठ के हम लोग अंतरिक्ष में गए आई सौ मैनी शाइनिंग स्टार्स और अंतरिक्ष में जाकर मैंने आए मतलब मैंने सौ मतलब देखे मैंने मतलब बहुत सारे शाइनिंग मतलब चमकते हुए स्टार्स मीन्स तारे मैंने अंतरिक्ष में जाकर बहुत सारे चमकते हुए तारे वहाँ पर देखे डैडी कहते हैं हाउ इंटरेस्टिंग कितनी मज़ेदार बात है मेरी कहती है वट आर स्टार्स डैडी डैडी स्टार्स क्या होते हैं तारे क्या होते हैं डैडी कहते हैं स्टार्स आर लाइक आवर सन स्टार्स मतलब तारे होते हैं जैसे हमारा सन मीन सूरज दे शाइन ब्राइटली वो ब्राइटली मतलब बहुत ज़ोर से शाइन मीन्स चमकते हैं मैरी कहती है बट द सन इज़ मच बिगर देन स्टार इज़ नॉट इट लेकिन मैरी क्या कहती है बट मतलब लेकिन जो सन है वो दूसरे है ना देन स्टार्स मतलब जो तारे हैं उनसे बहुत मच बिगड़ मतलब बहुत बड़ा है इज़ नॉट इट क्या ये सच नहीं है या क्या वो बड़ा नहीं है वो तो बाकी बचे हुए तारों से बहुत ज़्यादा बड़ा है डैडी कहते हैं डैट इज़ बिकॉज ये इसलिए है क्योंकि द सन इज मच नियर टू अस देन द अदर स्टार्स क्योंकि जो सूरज है वो हमारे अस मतलब हमारे मच नियर मतलब बहुत नज़दीक है नियरर मीन्स नज़दीक है देन द अदर स्टार दूसरे तारों की अपेक्षा जो सूरज है वो हमारे बहुत नज़दीक है इसलिए हमें जो सूरज है वो बड़ा दिखाई देता है मेरी कहती है हाउ बिग इज़ सन डैडी मैगी मेरी कहती है डैडी सन कितना बड़ा है डैडी कहते हैं वेरी वेरी बिग वेरी वेरी मीन्स बहुत बहुत बिग मीन्स बड़ा मतलब बहुत बहुत बड़ा है इट इज़ मैनी टाइम्स बिगर देन द अर्थ जो सन है वो अर्थ मतलब धरती से मैनी टाइम्स मतलब बहुत बार बिगर मीन्स बड़ा है यानी धरती के अपेक्षा जो सन है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए अनशीन पैसे से रिलेटेड तो आप लोगों ने, ने जिन्होंने कर रखे हैं वो मेरे से मैच कर सकते हैं अगर सही है तो इट्स ओके okay, नहीं तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए ठीक है बेटा हु हैड ए ड्रीम किसने सपना देखा था तो आप देखिए यहाँ मैरी कैरी आई हैड ए ड्रीम तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैरी ठीक है सेकेंड हु हैड ए स्पेसशिप्स जो अंतरिक्ष यान था वो किसके पास था वो एक फेरी के पास था ठीक है तो हमने क्या लिखा है यहाँ एक फेरी थर्ड है वेयर डिड मेरी गो इन हर ड्रीम मेरी अपने सपने में कहाँ जाती है तो वो आपने यहाँ पर पढ़ा है इंटू द स्पेस वो कहाँ पर गई थी स्पेस के अंदर ठीक है इज़ आवर सन इज़ स्टार क्या हमारा जो सन है वो एक स्टार है तो हाँ हमारा जो सन है वो क्या है स्टार है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट वाई इज़ द सन मच बिगर देन द स्टार्स वी सी एट नाइट की जो सूरज है वो दूसरे तारों से बड़ा क्यों है जिन तारों को हम रात में देखते हैं एट नाइट मीन्स रात में हम जिन तारों को देखते हैं उनसे बड़ा सूरज क्यों है आंसर है यहाँ पर दिया हुआ है देखो ये रख बिकॉज द सन इज़ मच नियर टू अस देन अदर स्टार क्योंकि यहीं पर हमने सेम आंसर लिखा है बिकॉज द सन इज़ मच नियरर टू द टू अस देन दर स्टार क्योंकि जो सूरज है वो दूसरे तारों की अपेक्षा हमारे बहुत नज़दीक है इसलिए वो हमें क्या लगता है बड़ा दिखाई देता है अब है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ बिगर द सन और द अर्थ धरती बड़ी है या yes, सन आपने यहाँ पर पढ़ा है येरा कि जो इट इज़ मैनी टाइम्स बिगर देन द अर्थ किसके बारे में यहाँ पर बात हो रही थी सन के बारे में तो इसलिए यहाँ पर हम आंसर क्या लिखेंगे द सन ठीक है बेटा तो इसके आंसर हैं ही आपके आगे आप इसको ऐसे ही लिख लीजिए जैसे मैंने लिखा है और इसको आप लर्न कर लीजिए अब हम थर्ड वाला और रीड करते हैं आज उसके बाद <coughs> इसके भी क्वेश्चन आंसर्स को हम मैच करेंगे ठीक है नाउ लिसन टू मी द थर्ड अनसीन पैसेज हेल्पिंग ईच अदर हेल्पिंग मतलब होता है मदद करना ईच अदर मीन्स एक दूसरे की मतलब कोई भी हो चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ठीक है बेटा हेल्प हेल्प मदद मदद क्राई द आंट बींग कैरीड अवे बाय द रेपिडली फ्लोइंग वाटर ऑफ द रिवर हेल्प हेल्प मतलब मदद मदद क्राइंट द आंट जो चीटी थी वो जोर जोर से मदद मदद चला रही थी वो चीटी कौन थी जो कि कैरिड अवे बाय द रैपिडली फ्लोइंग वाटर ऑफ द रिवर जो कि नदी के रिवर मीन्स नदी के रैपिडली मतलब जोरों से फ्लोइंग मतलब बहते हुए पानी के साथ बहकर जा रही थी वो चीटी मदद के लिए बार बार मतलब पुकार रही थी यानी कहने का मतलब है नदी का पानी था जो बहुत ही तेजी से बह रहा था उसमें जो एक चीटी थी वो बहकर जा रही थी और वो मदद के लिए चिल्ला रही थी ए डब व सिटिंग ऑन ए ट्री नियर बाय ही सो वैप्पन तो एक जो डब था वो उस की नदी के पास वाले पेड़ के ऊपर ही बैठा हुआ था नियर बाय मतलब उसके पास में बैठा हुआ था और उसने देखा वह ठेपन मतलब क्या हो रहा था वो सब वहाँ से बैठे बैठे देख रहा था When ही saw द आंट ड्रॉइंग जब वो देखता है कि जो आंट है वो डूब रही है है ना क्या है When ही saw द आंट ड्रॉइंग जब वो देखता है कि जो आंट है वो डूब रही है ही flew टू वर्ड्स हर वो उसकी तरफ उड़ कर जाता है टू वर्ड्स मतलब उसकी ओर उड़ कर जाता है एंड ड्रॉप्ड और ड्रॉप्ड मीन्स घेर देता है ए ड्राई मतलब सूखी लीफ मतलब पत्ती नियर हर मीन्स उसके पास तो जैसे वो उसको डूबता हुआ देखता है तो वो उसके पास जाता है और वहाँ पर एक सूखी पत्ती को उसके पास नदी में घेर देता है द आंट क्विकली क्लाइम ऑन टू द लीफ और जो चीटी होती है वो क्विकली मतलब जल्दी से उस पत्ते के उस पत्ती के ऊपर या पत्ते के ऊपर चढ़ जाती है क्लाइम मीन्स चढ़ना उसके ऊपर चढ़ जाती है द लीफ कैरीड हर सेफली टू द शोर और जब वो पत्ती होती है या वो जो पत्ता होता है वो उसको चैटी को सेफली मतलब सुरक्षा सुरक्षित रूप से उसे शोर मतलब नदी के किनारे ले जाता है कैरिट मीन्स ले जाता है द ड्रोव द डव सेव द आंट्स लाइफ तो वो जो डव था उसने उस आंट्स मतलब चीटी की जो जिंदगी थी उसको इस तरह से बचाया था द आंट सेट चीटी कहती है थैंक यू फ्रेंड दोस्त तुम्हारा धन्यवाद द डब रिप्लाइड डब उत्तर देता है उसका वी शुड हेल्प ईच अदर इन टाइम्स ऑफ नीड आई हैव डन माई ड्यूटी कि वी शुड हेल्प ईच अदर हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए इन टाइम्स ऑफ नीड नीड क्या होती है ज़रूरत जब मतलब हमारे हमें कोई ज़रूरत होती है या हमें कोई आवश्यकता होती है तो हमें एक दूसरे की मदद ज़रूर करनी चाहिए मतलब नीड में ज़रूरत हमें एक दूसरे ज़रूरत में हमें एक दूसरे की मदद ज़रूर करनी चाहिए ऐसा जो डव है वो चीटी से कहता है ठीक है बेटा अब आगे देखिए आई हैव डन माई ड्यूटी तो वो क्या कहता है डव क्या कहता है उससे कि आई हैव डन माई ड्यूटी आई मतलब मैंने हैव डन मतलब करी है अपनी ड्यूटी मैंने अपनी ड्यूटी यानी जो मेरा कर्तव्य है जो मेरा जो मेरा कर्तव्य है यहाँ ड्यूटी का मतलब क्या आ रहा है कर्तव्य जो मेरा कर्तव्य है जो मुझे करना चाहिए मैंने वो काम किया है ठीक है बेटा तो ये जो कहानी है ये आपको मतलब जो ये अनसिन पैसेज आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा और आपको इससे एक शिक्षा मिलती है कि आपको भी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए जब कोई आपका फ्रेंड किसी ज़रूरत में होता है तो आपको भी उसकी मदद करनी चाहिए तो चलो अब हम यहाँ पर इसके जो क्वेश्चन आंसर है इससे रिलेटेड उसको एक बार देख लेती हैं आप देखिए फर्स्ट है हु वॉज़ क्राइंग फॉर हेल्प मदद के लिए कौन रो रही थी तो आप सबको पता है द आंट चीटी रो रही थी हाउ वॉज द वाटर फ्लोइंग वाटर किस तरह से बह रहा था रैपिडली मतलब ज़ोर से वो पानी जो था वो बह रहा था हु वॉज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री ब्रांच जो मतलब ट्री की जो शाखा थी ब्रांच मीन्स जो शाखा थी उस पर कौन बैठा हुआ था आपने पढ़ा था ए डव डव वहाँ पर बैठा हुआ था वट डिड द डव डू डव क्या करता डव ने क्या किया फिर ही ड्रॉप डे ड्राई लीफ नियर हर उसने क्या किया उसने जो एक सूखी जो पत्ती थी उसको उसके पास उसके नज़दीक फेंका ऊपर से गेरा ठीक है हाउ डिड द आंट सेव हर सेल्फ चींटी ने अपने आप को कैसे बचाया द आंट क्विकली क्लाइम ऑन द लीफ एंड सेव्ड हर सेल्फ जो चीटी थी वो क्विकली मतलब जल्दी से क्लाइम मतलब चढ़ी ऑन द लीफ मतलब उस पत्ते पर एंड सेव्ड हर सेल्फ और उसने अपने आप को इस तरह से बचा लिया ठीक है तो ये बेटा क्वेश्चन आंसर है आपको एज इट इज़ ये क्वेश्चन आंसर अपनी बुक में लिखने हैं इसके बाद हम इसको आपको लर्न करना ठीक है नेक्स्ट देखिए मैच द सेंटेंसेस हाफ यहाँ पर आधे आधे सेंटेंसेस दिए गए हैं दो कॉलम्स में हमें इसे मैच करना है पहला क्या है वी शुड वी शुड मतलब हमें करना चाहिए क्या करना चाहिए हमें हेल्प ईच अदर इन टाइम्स ऑफ नीड मतलब जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो हमें एक दूसरे की क्या करनी चाहिए मदद करनी चाहिए सेकेंड देखिए द डव सेट दैट ही हैड ओनली डब ने क्या कहा कि उसके पास ही हैड ओनली क्या किया उसने डन हिज़ ड्यूटी उसने तो अपना केवल कर्तव्य निभाया है तो द डब वॉस डब किस तरह का था बहुत हेल्पफुल था मददगार था और चीटी ने द आंट वॉस चीटी ने क्या किया वो बहुत ज़्यादा आभारी थी उसकी उसने उसको बहुत ज़्यादा धन्यवाद किया उस, उसका मतलब उसने बहुत ज़्यादा एहसान माना कि इसने मेरी लाइफ जो है वो सेफ करी है ठीक है अब आता है राइट ऑपोजिट ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो जो यहाँ पर वर्ड्स दिए हैं उनके हमें ऑपोजिट लिखने हैं ऑपोजिट मतलब उल्टे विलोम शब्द लिखने हैं उनके हमें तो यहाँ पर फ्लोट का मतलब क्या होता है तैरना फ्लोट का मतलब क्या होता है तैरना और ड्रॉन का मतलब क्या होता है डी आर ओ डब्ल्यू एन मतलब होता है डूबना ठीक है स्लोली का मतलब क्या होता है धीरे से और फास्टली का मतलब क्या होता है जल्दी से सॉरी यहाँ पर आप फास्टली की जगह आप क्विकली करेंगे क्योंकि आपके पैसेज में यहाँ पर क्विकली दिया हुआ है ठीक है तो आप यहाँ पर स्लोली की जगह आप यहाँ पर क्या करेंगे आप यहाँ पर क्विकली लिखेंगे ठीक है बेटा Q U I C K L Y ठीक है तो यहाँ पर हो गया फ्लोट मीन्स तैरना ड्रोन मीन्स डूबना D R O W N स्लोली मीन्स धीरे क्विकली मीन्स जल्दी से तो ये आपका बुक वर्क है इस अनसीन पैसेज का तो आप लोगों को ये दोनों अनसीन पैसेज फिल करने हैं जिन बच्चों ने नहीं किए हैं जिन्होंने कर लिए हैं वो एक बार आप इसको मैच कर सकते हैं मेरे से और मैच करने के बाद आप इसको कल की तरह लर्न करेंगे और अपनी बुक में इसको फिल कर लेंगे ठीक है बेटा थैंक यू सो मच